इक अहमद और उनके परिवार के साजिश से उसकी हत्या की गई है। जिस एक दिन के दौरे पर झांसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से अपराधियों बदमाशों को कड़ा संदेश दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता अतीक अहमद का हाथ है, जिसमें उनके पुत्र को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में हुए इस कांड का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल झांसी पहुंचे सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री का क्या कहना है? कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के भीतर पूरी बात उसमें स्पष्ट कर दी है कि मारने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद जो है अतीक अहमद और उनके परिवार के साजिश से उसकी हत्या की गई है, जिसमें उनका लड़का भी एक अभियुक्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा के भीतर स्पष्ट रूप से बता दिया। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।